वीडियो में हम फिर से अपने वेब ऐप के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से गूगल की API google.script.run का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। दोस्तों इस API का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि आपका फ्रंट एंड की डेटा को बैक एंड में स्टोर कराने के लिए किया जाता है। तो ये किस तरीके से काम करता है वो सारी चीज़ें जो था आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों विदाउट जो था टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। इससे पहले दोस्तों मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर और देखिए हमने अपना ये स्क्रिप्ट एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने दो टेबल ऐड ऑन कर लिया है, एक अपना HTML की फाइल और दूसरा होता है code.js। आप जो भी index.html में आप यहाँ पे लिखते हैं वो हम अपने ब्राउजर पे इसको दिखा सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे एक सिंपल सा जो होता है इनपुट टैग डालते हैं और इनपुट टैग के लिए आपको सिंपली लिखना पड़ेगा इनपुट और यहाँ पर इसका जो टाइप जो लिखना पड़ता है वो होता है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप बेसिकली एक प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं। बेसिकली प्लेस होल्डर क्या होता है उसके अंदर आपको बताता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ इंटर टेक्स्ट, ठीक है, इंटर टेक्स्ट हमने किया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है इनपुट टैग को क्लोज कर देना है, इनपुट टैग को इस तरीके से क्लोज, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक इनपुट टैग डाल दिया। अब इनपुट टैग जो होता है इंटर टेक्स्ट जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा और इसके बाद यहाँ पर हम एक काम और भी कर लेते हैं। ये क्या करना है कि इसकी जो क्लोजिंग टैग होती है बेसिकली इसकी सेल्फ क्लोज, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनपुट टाइप की जो यहाँ पे आप टैग दे रहे हैं बेसिकली ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से लिख देना है इस तरीके से ऐसे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है एक ID भी दे देनी है। तो यहाँ पर हम एक ID देते हैं और ID में हमने लिख दिया नेम, ठीक है, यहाँ पर हमने नेम कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर हमारा ये काम हो जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं एक बटन भी डाल देते हैं क्योंकि बटन के क्लिक पर हम एक जो होता है इवेंट फायर करेंगे। बेसिकली क्या होगा जो भी इनपुट में हम वैल्यू लिखेंगे उस वैल्यू को क्या करना है गेट करना है और अपने गूगल सीट के अंदर जो होता है उसको भेजना है। तो यहाँ पर हम एक सिंपली बटन टैग भी लेते हैं बटन और बटन में हम यहाँ पे देखना इसकी क्लोजिंग भी कर देते हैं ऐसे और इस बटन के अंदर हम यहाँ पर बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है वो लिख देते हैं क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ब्राउज़र में दिखाना है तो इसके लिए आपको code.js में जाना पड़ेगा और मैंने आपको जो होता है बताया हुआ है कि किस तरीके से आप ब्राउज़र में जो होता है अपने HTML के डेटा को दिखा सकते हैं। अगर आपने जो होता है इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो उसको एक्सेस कीजिएगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डूगेट और यहाँ पर आपको एक रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है और यहाँ पर चूंकि हमें HTML के साथ काम करना है तो हमें लिखना पड़ेगा HTML सर्विस डॉट क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल और यहाँ पर आपको अपने फाइल का नाम देना होगा जो कि यहाँ पर हमारे फाइल का नाम है इंडेक्स और .html वो बाई डिफॉल्ट रहता है तो आपको सिर्फ इंडेक्स लिख देना है, बाकी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली मतलब HTML लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। डॉट इवेल्यूएट डॉट क्रिएट HTML आउटपुट डॉट क्रिएट HTML लिखने के बजाय आप यहाँ पे ऐसे तो दोनों ही हो जाते हैं डॉट यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेट कंटेंट, ठीक है। एक बार इसका इस्तेमाल करके हम देखते हैं डिप्लॉय में जाते हैं। मैंने आपको क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल और क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल इन दोनों का ही इस्तेमाल करना सिखाया है तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर एक बार इसको आप चेक कर लें। तो यहाँ पे देख रहे हैं रिटर्न टाइप, यहाँ पे जो इसका रिटर्न टाइप है ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं .get.index.getContent लिखना है चूँकि हम एक टेक्स्ट के साथ काम करते हैं तो यहाँ पर ये वाला मेथड काम नहीं करेगा। तो हम वापस से करते हैं और ये इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो टैग इनपुट टैग है वो आ चुका है इंटर टेक्स्ट। यहाँ पे हम टेक्स्ट पे यहाँ पे अगर एंटर करें मतलब यहाँ पे हम अपना कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहें जैसे मैंने लिख दिया टेक ज्ञान अमित, ठीक है, ये लिखा और जैसे मैं क्लिक करूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इसका डेटा है वो हम यहाँ अपने गूगल सीट के अंदर यहाँ पे डालें। तो यहाँ पर हम जो होता है एक कॉलम भी क्रिएट कर लेते हैं नेम
नम का। अब इस नेम के अंदर जो कुछ भी मैं मतलब जो भी डेटा मैं यहाँ से लिखूँ तो क्लिक करने के बाद वो डेटा हमारा कहाँ पे आना चाहिए, इसके नीचे यहाँ पर ऐसे, जब जितनी बार भी मैं करूँ उसके नीचे एक एक करके आना चाहिए। तो ये चीज़ हम कैसे कर पाएंगे, आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसके लिए आपको google.sql.run जो कि गूगल की API है, बेसिकली क्या करता है ये आपका फ्रंट एंड से डेटा को बैक एंड में डाल देता है गूगल सीट। तो हम यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे index.html के अंदर, और हम यहाँ पर एक इवेंट हैंडल लगाएंगे। बेसिकली वो इवेंट हैंडल तब काम करेगा जब हम जब तक बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके लिए हम एक आईडी भी दे देते हैं बटन की, और मैं डाल देता हूँ btn, ठीक है। और btn देने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है बॉडी टैग के नीचे, और यहाँ पर आपको अपना स्क्रिप्ट टैग लगाना है। तो यहाँ पर ये जो एडिटर है ये इतना बेहतरीन एडिटर तो नहीं है, इसलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि जितने भी HTML और JavaScript जो कुछ भी लिखना है वो आप VS कोड वगैरह में लिखें, तो आप आसानी से जो होता है यहाँ पे बस आ करके कॉपी पेस्ट करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आप अपने कोड को जल्दी से रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग क्लोजिंग कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे हमारा ये जो बटन है इसकी जो टैग है उसके आईडी भी हमने btn दिया हुआ है, पहले इसको हम टारगेट करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। बाई आईडी में हमारा जो बटन है उसको टारगेट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक इवेंट लिसनर भी होता है जिसका नाम यहाँ पे है एड इवेंट LISTENER गेट इवेंट लिसनर, और इसके अंदर आप जो होता है कौन सा इवेंट जो होता है फायर करना चाहते हैं वो बताना पड़ता है, और इस इवेंट के फायर होने पर आप कौन सा फंक्शन रन करना चाहते हैं वो आपको पास करना पड़ता है। यहाँ पर तो हम सबसे पहले अपने इवेंट का नाम देते हैं वो है क्लिक। तो यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर होता है अपने इवेंट का नाम बताना होता है। दूसरा यहाँ पे आपको क्या देना पड़ता है, आपको अपने फंक्शन का नाम बताना पड़ता है। जैसे मैं एक फंक्शन रन करना चाहता हूँ वो होता है गेट डाटा, ठीक है। गेट डाटा नाम का एक मैंने फंक्शन बना लिया। अब मैं करता हूँ यहाँ जस्ट नीचे, और आप जो होता है ये जो फंक्शन है आप डायरेक्ट जो होता है इसी के अंदर भी बना सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पे अलग से गेट डाटा लिखने की जरूरत मतलब लिख करके अलग से पा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसके अंदर ही भी फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं लिखता हूँ फंक्शन और यहाँ गेट डाटा, ठीक है। गेट डाटा के अंदर अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप जो भी चाहते हैं, अब यहाँ पे फंक्शन रन होगा तो आप क्या चाहते हैं वो चीज़ आपको अब यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे गेट डाटा हमने लिखा, तो गेट डाटा जब हम मतलब ये तब फायर हो रहा है जब मैं बटन पे जो हमने btn id जो दी हुई है id btn इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो इनपुट टैग में जो कुछ भी वैल्यू हमने लिखा हुआ है वो हमें मिल जाए। तो सबसे पहले तो ये हम चेक कर लेते हैं कि गेट डाटा अगर मतलब ये जो फंक्शन है क्या ये बटन के क्लिक पर चल भी रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ, अलर्ट अलर्ट में बटन क्लिक, इससे हम थोड़ा सा इंश्योर हो जाएंगे कि ये जो फंक्शन है ये बटन क्लिक पे रन हो रहा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये बटन क्लिक नाम का जो ये फंक्शन है ये रन हो गया। तो इट मीन्स मेरा जो ये क्लिक नाम का जो हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं ये काम कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी इस जो इनपुट टैग में वैल्यू हम टाइप करें उस वैल्यू को हमें गेट करना है। तो यहाँ पर मैं एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी में इस बार हमें किसको टारगेट करना है, जो ये नेम नाम का हमने आईडी बनाया हुआ है उसके बाद डॉट वैल्यू ये आपको लिख देना है। और इसको आपको कंसोल में मैं एक बार चेक कर रहा था कि इसमें क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है। मैंने यहाँ किया और एक बार चलते हैं और इसको जो होता है रिफ्रेश कर देते हैं। अब मैं चलता हूँ आपको पहले इंस्पेक्ट करवाता हूँ कि इसके इंस्पेक्ट टैग ओपन कर ले, इंस्पेक्ट ओपन करके पहले आपको दिखाता हूँ कि इस जो इनपुट टैग में हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमें कंसोल में किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको हटा लेता हूँ, और जस्ट अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं दोबारा से ज्ञान अमित, ठीक है, टेक ज्ञान अमित लिखा। उसके बाद जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमें टेक ज्ञान अमित देखने को मिल गया, मतलब हमें जो इनपुट टैग के अंदर जो वैल्यू है
वो हमें देखने को मिल गई। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है कि अब ये जो नेम है बेसिकली, हमें इस नेम को जो कि नेम नाम के वेरिएबल के अंदर है, इसकी वैल्यू को हमें गूगल सीट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो उसके लिए हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास एक API है, गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी फंक्शन रन करवाना है, मतलब इस API के माध्यम से जो भी आप फंक्शन रन करेंगे, ये आपको जो होता है सर्वर पे आपके बैकएंड में डेटा को सेंड कर देगा। जैसे मैं सेंड डाटा टू सीट नाम का एक फंक्शन रन करता हूँ, टू सीट, सेंड डाटा टू सीट, और इसमें मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, ये मतलब ये जो वेरिएबल है इसको मैं पास कर देता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप जब गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन और उसके बाद जो भी फंक्शन आप लिखते हैं, तो इसके अंदर आप जिस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में जो भी पैरामीटर्स वगैरह आप पास करते हैं, जो भी वेरिएबल पास करते हैं, बेसिकली आप एरे हो, ऑब्जेक्ट हो या सिंगल वैल्यू वगैरह हो, एज ए वहाँ पे वेरिएबल के रूप में आप पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं सेंड डेटा टू सीट नाम का जो भी फंक्शन मैं रन करूँगा, बेसिकली हमने अपने कोड डॉट जे एस के अंदर, ये क्या करेगा, इस वैल्यू को यहाँ पर जो कि यहाँ से मिल रहा है वो इस पर इसके अंदर आ चुका है। अब इस जो वैल्यू को मैं इस फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ, इसको मैं अपने गूगल सीट में भी, मतलब जब कोड डॉट जे एस में मैं ये फंक्शन को डिफाइन करूँगा, तो मैं वहाँ पर भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, फंक्शन सेंड डाटा टू सीट। एक बार आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि स्पेलिंग बिल्कुल, मतलब जो फंक्शन आपने डिफाइन किया, देख रहे हैं यहाँ पर सेंड डाटा टू सीट, ये गड़बड़ हो रही है, ये चीज़ आपको सही से रखना है, सेंड डाटा टू सीट। तो यहाँ पे अब जो आपने नेम नाम का जो वेरिएबल आपने यहाँ पे पास किया हुआ था फंक्शन के अंदर, उसको यहाँ पे आप पास करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे नेम लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यूज़र नेम, ठीक है, आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का जो था फंक्शन का नाम दिया, उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया यूज़र नेम, और ये जो यूज़र नेम है बेसिकली कहाँ से आ रहा है, आपके जो फ्रंट एंड में जो भी यूज़र वहाँ पे लिखेगा। तो उसके बाद अगर मैं आपको लॉगर करके इस वैल्यू को अगर एक बार मैं आपको चेक करवाता हूँ कि देखिए यूज़र नेम में क्या आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, एक बार यहाँ पे चलते हैं और इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा सुमित, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक और मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने यहाँ पे एग्जीक्यूशन के अंदर, तो सेंड डाटा टू सीट नाम का जो ये फंक्शन है, देखिए ये रन हो चुका है। और मैं यहाँ नीचे अगर मैं आऊँगा, तो जो भी हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ था सुमित, वो हमें यहाँ देखने को मिल गया। मतलब उस डेटा को जो कि यूज़र हमारे फ्रंट एंड पे लिख रहा है, उसको हम अपने बैक एंड में गूगल डॉट स्क्रिप्ट डॉट रन की मदद से एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हमें डेटा यहाँ पे जब मिल रहा है, तो इस डेटा को हमें क्या करना है, हमें अपनी सीट के अंदर ऐड कराना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले अपने सीट को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, सीट इज इक्वल टू डॉट गेट एक्टिव एट सीट डॉट सीट बाय नेम, ठीक है, और यहाँ पर आपको अपने सीट का नाम दे देना है। यहाँ पर आपका सीट का नाम क्या है, सीट वन, और यहाँ पर हम अपने सीट वन का नाम यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पर अब आपको सीट वन के अंदर जो भी रेंज में ये पेस्ट करना, वो रेंज आपको बतानी पड़ेगी, गेट रेंज, रेंज मान लीजिए सपोज, या फिर आपको रेंज भी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर बार आपको एक के नीचे एक आपको रखना है। तो सीट डॉट अपेंड रो करके आपके पास एक मेथड है, इसका इस्तेमाल करें और अपेंड रो के अंदर वो जो यूज़र नेम है वो पास करें इस तरीके से, ठीक है। ये तो ये आपका जो था कोड बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पर हम चलते हैं एक बार, इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, और ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दिस एक्शन, क्योंकि हमने अभी सीट को ऐड किया है, तो इसके लिए हमें जो है एक बार परमिशन देना पड़ेगा। और यहां से अलाउ कर,
देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, एक बार इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। और जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है पूनम लिखा, और जैसे मैंने यहाँ पे किया क्लिक और मैं चलूँ अपने यहाँ पे, तो ये देखिए पूनम ऐड हो चुका है। अब इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से जाता हूँ और यहाँ पे कुछ और ऐड करता हूँ, जैसे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संजय, ठीक है, और मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ अगर आप जाएंगे तो ये देखिए संजय भी ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप अपने फ्रंट एंड के डेटा को बैक एंड में भेज सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।